आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के क्वेश्चंस। ठीक है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे कौन क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिल इन दी ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। यहाँ पे हमें ब्लैंक दे रखा है, खाली जगह दे रखी है, वहाँ पे हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से भरना है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस क्या कह रहा है, समवन पुल्ड दी चेन डैश द ट्रेन केम टू अ हॉल्ट। यहाँ पे क्या है, एक सेंटेंस दे रखा है और बीच में खाली जगह दे दी है, यहाँ पे हमें क्या भरना है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भरना है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एक कंजंक्शन होता है, एक ऐसा वर्ड होता है जो कि दो सेंटेंस को या दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे किससे जुड़ेगा, समवन पुल्ड दी चेन एंड द ट्रेन केम टू अ हॉल्ट। यहाँ पे आंसर क्या होगा, एंड होगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या होगा, एंड होगा। सेंटेंस क्या बन गया, समवन पुल्ड द चेन एंड द ट्रेन केम टू अ हॉल्ट। तो किसी ने चेन खींच दिया और ट्रेन क्या हो गया, रुक गया, हॉल्ट पे रुक गया। ठीक है, हॉल्ट पे पहुंच गया। फिर सेकेंड सेंटेंस क्या है, दी स्टूडेंट्स वर गेटिंग नर्वस डैश द टीचर गेव देम सम टिप्स ऑन मेमोराइजिंग फैक्ट्स। तो यहाँ पे बीच में खाली जगह, यहाँ पे हमें भरना है, तो कैसे भरेंगे, द स्टूडेंट्स वर गेटिंग नर्वस सो दी, क्योंकि स्टूडेंट्स नर्वस हो रहे थे इसीलिए टीचर ने उनको टिप्स दिए ना, तो इसलिए का यहाँ पे क्या वर्ड आ जाएगा, सो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे क्या आ जाएगा, सो वर्ड आ जाएगा, द स्टूडेंट्स वर गेटिंग नर्वस, स्टूडेंट्स जो थे वो नर्वस हो रहे थे, सो द टीचर गेव देम सम टिप्स ऑन मेमोराइजिंग फैक्ट्स, इसीलिए टीचर ने फैक्ट्स को मेमोराइज करने के लिए कुछ टिप्स दिए। ठीक है, थर्ड सेंटेंस क्या है, इट वॉज वेरी हॉट डे, बहुत ही गर्म दिन था आज। ठीक है, आज का दिन बहुत ही गर्मी थी, डैश देयर वॉज एज बिग क्राउड एट द स्टेडियम, मोर उससे भी ज़्यादा क्या था, बिग क्राउड था स्टेडियम में। यहाँ पे हमें दो वर्ड्स पेयर तो यूज़ करना नहीं है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक वर्ड यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भरना है, तो यहाँ पे हम क्या भर सकते हैं, मोर भर सकते हैं। ठीक है, इट वॉज वेरी हॉट डे, मोर देयर वॉज एज बिग क्राउड एट द स्टेडियम। ठीक है, दीज पीपल मे बी पुअर डैश दे हैव अ ग्रेट डील ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, दीज पीपल मे बी पुअर, ये लोग जो होते हैं वो पुअर हो सकते हैं, वो दे हैव अ ग्रेट डील ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, क्या उनके पास ग्रेट इतना अपना सेल्फ रेस्पेक्ट भी होता है, तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, वर फिल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, वर होगा। देखो क्या है, आई डू नॉट थिंक आई विल रीड द होल बुक डैश आई फाइंड इट क्वाइट बोरिंग, आई डू नॉट थिंक आई विल रीड द होल बुक, मैं ये बुक पढ़ नहीं सकता पूरा, वेन डैश आई फाइंड इट क्वाइट बोरिंग, आंसर क्या होगा, देन, जब मैं इसको बोरिंग, जैसे कि आप कोई किताब पढ़ रहे हो, आप पढ़ते जा रहे हो, लेकिन अगर आपको बोरिंग फील होने लगा तो आप वो पूरी किताब नहीं ख़त्म कर सकते हो, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि आई डू नॉट थिंक आई विल रीड द होल बुक, मैं नहीं सोच सकता कि मैं ये पूरी बुक पढ़ सकता हूँ, डैश आई फाइंड इट क्वाइट बोरिंग, जब, वैन का मतलब क्या होता है, जब मैं इसको बोरिंग, जब मुझे ये किताब बोरिंग लगने लगेगी। ठीक है, तो हमें हमने सारे सेंटेंसेस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस भर लिए। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिल इन दी ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट कोरिलेटिव कंजंक्शन। यहाँ पे हमें क्या भरना है, कोरिलेटिव कंजंक्शंस भरना है। कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होता है, पेयर होते हैं। ठीक है, पेयर्स मतलब दो शब्द आएंगे हमारे जो कि हमें दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा होगा। जैसे कि देखिए फर्स्ट सेंटेंस क्या है, द गार्डनर प्लांटेड डैश रोजेस डैश लिलीज, गार्डनर जो है उसने प्लांट किया, क्या क्या प्लांट किया, रोजेस और लिलीज। तो यहाँ पे हम क्या भर सकते हैं, बट बोथ, तो यहाँ पे हम क्या भर सकते हैं, बोथ, द गार्डनर प्लांटेड बोथ रोजेस एंड लिलीज। ठीक है, अगर यहाँ पे डैश ना होता तो हम क्या कह सकते, द गार्डनर प्लांटेड रोजेस एंड लिलीज, लेकिन यहाँ पे क्या है, दो डैश दे रखा है और हमें कोरिलेटिव कंजंक्शन भरना है, तो कोरिलेटिव कंजंक्शन का मतलब होता है पेयर्स में भरना पड़ेगा। पेयर्स का मतलब क्या है, कैसे भरेंगे हम लोग, द गार्डनर प्लांटेड बोथ, गार्डनर जो है उसने दोनों प्लांट किया, कौन कौन सा, रोजेस एंड लिलीज, रोजेस और लिलीज। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यू कुड स्टडी डैश फ्रेंच डैश स्पैनिश। यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, ईदर और, यू कुड स्टडी ईदर फ्रेंच और स्पैनिश, तुम पढ़ सकते हो या तो फ्रेंच या तो स्पैनिश। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ईदर और आ जाएगा, पहले डैश में आएगा ईदर और सेकंड डैश में आएगा और। फिर क्या है, हीरा बॉट डैश टोमेटोज डैश ब्रिंजल्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हीरा ने खरीदा नॉट ओनली टोमेटोज बट ऑल्सो ब्रिंजल्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये हमारा दो है, एक नॉट ओनली बट ऑल्सो, दोनों हमारा क्या है, पेयर, ये एक पेयर बनता है, ये एक पेयर, मतलब
नॉट ओनली और बट ऑल्सो दोनों को मिलाकर एक पेयर बनता है और जो कि हमारा कोरिलेटिव कंजंक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, हीरा बॉट नॉट ओनली टोमेटोज बट ऑल्सो ब्रिंजल्स। हीरा ने सिर्फ टोमेटोज ही नहीं खरीदे हैं, ब्रिंजल्स भी खरीदे हैं, ठीक है। फिर क्या है, रेखा डिसाइडेड टू टेक डैश रानी डैश प्रीति विथ हर टू दी मार्केट। रेखा ने डिसाइड किया कि वो रानी और प्रीति दोनों को साथ में ले जाएगी मार्केट ना। तो जब दोनों इंसान की जब बात आ जाती है तो क्या होगा, रेखा डिसाइडेड टू टेक बोथ रानी एंड प्रीति विथ हर टू दी मार्केट, ठीक है, वो रानी और प्रीति दोनों को ले जाएगी। फिर नेक्स्ट क्या है, राम कुड नॉट डिसाइड डैश टू वियर अ ब्लू शर्ट डैश अ येलो वन टू दी पार्टी। यहाँ पे क्या, राम जो है वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि वो क्या पहने, ब्लू शर्ट पहने या फिर येलो वन पहने पार्टी के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि डिसाइड नहीं कर पा रहे दो के बीच में, तो क्या हो जाएगा, राम कुड नॉट डिसाइड वेदर, ये आ जाएगा वेदर टू वियर अ ब्लू शर्ट और अ येलो वन टू दी पार्टी। राम डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि वो ब्लू शर्ट पहने या फिर येलो शर्ट पहने। तो जब या फिर या ऐसे के सेंटेंसेस की बात आ जाती है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेदर और आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप सो गाइस आपको दोनों कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोरिलेटिव कंजंक्शन को कैसे यूज़ करना है समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।